हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो पिछले 2-3 दिन में काफी कुछ बदल गया है दोस्तों, काफी कुछ नया हमें देखने को मिला है हरियाणा के अंदर। आप हरियाणा एचएसएससी सीईटी की जो प्रिपरेशन कर रहे थे उसका नोटिफिकेशन फाइनली आपका आ गया है, जिसके अंदर आप लोगों को ये बता दिया गया है कि आपका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, जो कि आप सभी के लिए एक गुड न्यूज है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं जो अभी भी क्लैरिफाई नहीं हुई हैं, उन चीजों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ धड़ाधड़ आपके 2 रिजल्ट आए हैं, हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल का रिजल्ट आया है और हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट आया है। जो भी स्टूडेंट्स इन दोनों भर्तियों के अंदर जिनका भी चयन हुआ है, उन सभी को शुभकामनाएं, उन सभी को बधाई हो, और आपका भगवान करे आपका आगामी जो जीवन है वो ज्यादा अच्छा जीवन हो। ठीक है, आपकी लाइफ में एक जॉब स्टेबिलिटी आ गई है, जॉब सिक्योरिटी आ गई है। लेकिन यहीं पर नहीं रुकना है दोस्तों, अगर आपने तैयारी की है तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ कॉन्स्टेबल बन के तो नहीं रहना चाहेंगे, ऊंचाइयों को छूना है और आगे भी आप लोग तैयारी अपनी करते रहें और बहुत बेहतर दिशा में और आगे अपनी तैयारी को लेकर जाए। दूसरा, वो स्टूडेंट्स हैं जो कुछ 1 नंबर से रह गए होंगे, आधा नंबर से रह गए होंगे, 2 नंबर से, 4 नंबर से, 3 नंबर से रह गए होंगे, तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं इतना बोलना चाहूंगा कि नेगेटिव नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। आपने बहुत लंबा सफर तय किया है, बहुत अलग अलग तरीके के ट्रोमा से आप लोग गुजर के आए हैं, घर वालों के बातों से लेकर, रिश्तेदारों की बातों से लेकर, और समाज की इन कड़वी बातों को सुनते हुए, और अपने अपने समय को आपने इतना दिया है उस प्रिपरेशन में, उस तैयारी में। तो अब आप उस बाउंड्री लाइन के ऊपर हैं जहां से अगला कदम नौकरी का है, और उससे अगर आप पीछे हटते हैं तो फिर आप वापिस से वहीं पहुंच जाएंगे, बैक टू द स्क्वायर वन स्टार्टिंग में, तो जो आपका कोई भी फायदा नहीं होगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका 5-10 नंबर के फासले से भी रहा है, वो अपने आप को और मजबूत करें, थोड़ा सा सब्र रखें, आने वाला समय आपका ही है, आने वाली भर्ती में नंबर आपका ही आने वाला है। ठीक है, जिनका आ चुका है उनको बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात करते हैं अब हम हरियाणा सीईटी के बारे में, और उससे पहले एक बात करते हैं कि हमने जो 75 दिन का सीईटी मास्टर प्लान जो हमने चलाया था, ठीक है, उस मास्टर प्लान के तहत हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ रहे थे, जो कि बिल्कुल सही हम दिशा में जा रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 दिन से आप लोगों को सोमवार, मंगलवार और आज आप लोगों को जो है वो टाइम टेबल नहीं मिला है। उसके पीछे का कारण मैं आप लोगों को साधारण तौर पे बता देता हूँ कि आप सभी को पता है कि मैं आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, और आईटी सेक्टर में फिलहाल के टाइम पे क्या है कि हमारे इंटरव्यूज चल रहे हैं। ठीक है, तो किसी अच्छी अपॉर्चुनिटीज की तलाश में जो है वो मैं इंटरव्यूज वगैरह दे रहा हूँ, प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरी खुद की पढ़ाई है। जुलाई के महीने में मेरे खुद के एग्जाम्स आने वाले हैं कंप्यूटर साइंस के, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो इसलिए मैं थोड़ा सा व्यस्त हो गया हूँ, थोड़ा सा यूट्यूब के ऊपर मैं कम एक्टिव हो गया हूँ, लेकिन टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं लगातार एक्टिव हूँ। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे क्विज और नोट्स वगैरह सारी चीजें वहां पे अवेलेबल हो रही हैं। वीडियो वगैरह बनाने का, प्रिपरेशन करने का, लेक्चर वगैरह बनाने का समय जो है वो कम लग रहा है। ऊपर से आपका जो स्पेशल कंप्यूटर बैच चल रहा है केटीटी एप्लीकेशन पे, उसके लिए क्लासेस भी मुझे लेनी पड़ती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे कम एक्टिव हो गया हूं मैं। बट अभी कुछ दिन के बाद, जैसे ही 2-3 दिन में मेरे इंटरव्यूज वगैरह खत्म हो जाते हैं और एक अच्छी सी जॉब दोबारा से मुझे मिल जाती है, तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे और फिर मैं अपनी वो जर्नी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब बात आते हैं डायरेक्ट अपने एचएसएससी सीईटी के ऊपर, हम आ जाते हैं। एचएसएससी सीईटी के अंदर आप लोगों को इंग्लिश का सिलेबस बता दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आप लोग इंग्लिश में माहिर हैं, माहिर हो जाएंगे, और 10 से 15 नंबर की जो भी इंग्लिश आएगी वो आप टैकल कर लेंगे। हिंदी का सिलेबस बता दिया है, हिंदी के अंदर 10-15 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। मैथमेटिक्स का सिलेबस बता दिया है, 11th 12th के चक्कर में नहीं पढ़ना है। बेसिक ज्योमेट्री, अलजेब्रा और वेंचुरेशन आप लोगों को बेसिक करके जाना है, ज्यादा एडवांस नहीं करना है, और जो आपका अरिथमेटिक मैथमेटिक्स है वो आप लोगों से पूछा जाएगा। तो 10-15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के मान लीजिए, और 10-15 क्वेश्चन आप रीजनिंग का सिलेबस भी आप लोगों को दे दिया है। तो बेसिकली ये इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, ये तो क्लियर हो ही गया। पांचवा आपको हरियाणा जीके भी क्लियर हो गया है, कि हरियाणा जीके तो पूछी पूछी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें हमें बताया नहीं गया कि किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे। ये अभी भी एक ड्रॉबैक जो है, पता नहीं एचएसएससी क्यों ऐसा करती है हर बार, कि चीजों को क्लैरिफाई क्यों नहीं करती है। साधारण स्पष्ट तौर पे हमें बता सकती है कि भाई इस सब्जेक्ट के इतने क्वेश्चन आएंगे, इस सब्जेक्ट को आप इतना समय दे सकते हैं, किसी सब्जेक्ट के 5 क्वेश्चन आने हैं और हम उस सब्जेक्ट को 4-4 5-5 घंटे देकर चले जाएं, तो फिर फायदा क्या होगा उस चीज का।
सिलेबस बताने के साथ साथ एग्जाम पैटर्न बताना भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज भी हमें देखने को नहीं मिली है। दूसरा, आपका जो जीएस और जीके का जो पोर्शन है, जनरल नॉलेज जनरल साइंस का जो पोर्शन है, उसके अंदर आप लोगों को हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स सिविक्स इन्वायरमेंटल साइंस ईवीएस साइंस बेसिक उसी के अंदर आ जाएगी और आपका कंप्यूटर लिटरेसी उसी के अंदर आ जाएगा, जिससे हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर आपका एडवांस लेवल का नहीं पूछा जाएगा, ज्यादा एडवांस का नहीं पूछा जाएगा, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपके सिलेबस की बात हो गई है। इसके बाद बात करें ना, हमें ये पता है नेगेटिव मार्किंग है या नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और ना हमें ये पता है कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा, ना हमें ये बताया गया है क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो एचएसएससी ने नहीं बताई हैं। दोबारा से सिलेबस आ गया है दोस्तों, बहुत बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कीजिए। अब कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि क्या हम अब उस एनसीईआरटी के पैटर्न को ही फॉलो करते हुए चलें या हम अब इस पैटर्न को फॉलो करें। दोस्तों पैटर्न कुछ नहीं है, फ्रैक्शनल फ्रैक्शन हैं, डेसिमल्स हैं, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस। कोई भी एक मैथ की बुक ले लीजिए, आर एस अग्रवाल ले सकते हैं, किरण पब्लिकेशन की ले सकते हैं, राकेश यादव की ले सकते हैं, किसी भी पब्लिकेशन की कोई भी एक मैथ की किताब ले लीजिए जिसके अंदर चैप्टर से पहले थोड़ी थ्योरी दे के समझाया गया हो वो चैप्टर कैसे होता है और फिर उसके क्वेश्चन दिए गए हो। एक से दो बेसिक टाइप के क्वेश्चन आप हर चैप्टर के सोल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं उसके ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैथ के दो दूसरे लेवल तक के क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं, आप अच्छे हैं मैथ में एचएसएससी के हिसाब से। रीजनिंग के दो लेवल के क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। क्वेश्चन के लेवल का मतलब होता है एक बेसिक क्वेश्चन होता है, कोई काम ए इतने दिन में इस काम को करता है, बी इस काम को इतने दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये बेसिक लेवल हो गया। इससे ऊपर वाले लेवल पे तीन लोग आ जाते हैं और एक इंसान जो होता है वो उनको अल्टरनेट डेज पे जुड़ता रहता है उनके साथ और काम करता रहता है। बीच में कोई इंसान काम करके चला गया, छोड़ के चला गया, तो बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा होगा, वो दूसरे लेवल पे आ जाता है। इस लेवल की तैयारी आपको एचएसएससी के सी ग्रुप के एग्जाम्स के लिए करके जानी है। काफी स्टूडेंट्स को डाउट है इंग्लिश अब कहाँ से करें, इंग्लिश कैसे करें। इंग्लिश में आप लोगों को जैसे आप लोग चल रहे हैं ना, प्लेन टू पैरामाउंट एक बहुत अच्छी बुक है दोस्तों, सच में बहुत अच्छी बुक है। प्लेन टू पैरामाउंट की ग्रामर आप लोगों को करनी ही करनी है, रूल्स आप लोगों को पता होने चाहिए, रूल्स को रट्टा नहीं मारना है, रूल्स को आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, जैसे ही टाइम लगता है, जैसे ही थोड़ा सा समय मेरे पास एक्स्ट्रा होता है, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा इंग्लिश का कंप्लीट कंटेंट आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा सकूं। मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, बट हाँ मेरी कोशिश यही है कि इंग्लिश के अंदर आप लोगों को 90% से अबव स्कोर करवा सकूं, इतना कंटेंट आप लोगों को मैं यूट्यूब के ऊपर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। दूसरा, मैथमेटिक्स का कंटेंट भी आप लोगों के लिए मैं बहुत जल्दी कोशिश बहुत सारी कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं से कोई टीचर या फिर खुद मैथ का कंटेंट भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा पाऊँ। तो टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को, कंप्यूटर अपने पास ऑलरेडी है। ठीक है, और दूसरा रह गया, अब साइंस कह रहे हैं स्टूडेंट सर साइंस में अलग से बताया नहीं तो क्या करें। जनरल साइंस जो होती है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, शरीर का कौन सा अंग ये होता है वो होता है, ये कौन सा कैल्शियम होता है, विटामिन की कमी से ये कौन सा रोग होता है, बेसिक जनरल साइंस के जो एसएससी के क्वेश्चन हैं, अब आप लोगों को क्या करना है, एचएसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए हैं उनके अंदर से हरियाणा जीके की तैयारी करनी है। बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ, रीजनिंग और जीके, सीधा सीधा एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाओ और उनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना शुरू कर दो, और वो भी ग्रेजुएशन लेवल के नहीं, जो सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जो 12th लेवल का पेपर होता है ना एसएससी का, उसके प्रैक्टिस सेट्स को उठाओ और उसको लगाना आप स्टार्ट कर दो। उसके अंदर आप लोग इंग्लिश रीजनिंग और मैथ को लगाना शुरू कीजिए। उसके अंदर जो आपकी इंग्लिश रीजनिंग मैथ और जीएस भी उसके अंदर आती है ना, उस पूरे पेपर को आपको लगाना है। साथ हरियाणा जी के आपकी हो जाएगी, कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन आएंगे उनको आप टैकल कर ही लोगे, साइंस के बेसिक क्वेश्चन आएंगे वो आप टैकल कर लोगे। तो आप लोग इस तरीके से जो है हरियाणा जीके के ऊपर कम समय दो। हरियाणा जीके के ऊपर एनटीए फोकस इतना नहीं करेगी जितना फोकस वो मैथ रीजनिंग इंग्लिश और हिंदी के ऊपर करने वाली है और जीएस के ऊपर। जीएस में ट्रेडिशनल जीके पढ़ने की बजाय मैं तो आपको यही बोलूंगा, डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर पढ़िए, डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स को तैयार कीजिए, इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़िए, कौन सा सबमिट हो रहा है, कौन सी कहां पर किसकी बैठक हो रही है, पॉलिटी से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट नए नए मुद्दे आ रहे हैं उसके बारे में पढ़िए। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी रूपरेखा को तैयार कर सकते हैं। पूरा जून का महीना अभी बचा हुआ है, 10-12 दिन आपके पास, पूरा जुलाई का महीना है और अगस्त के महीने में आप लोगों का एग्जाम जो है वो कंडक्ट होगा। अराउंड अराउंड मान के चलिए 2 महीने का समय अभी भी आप लोगों के पास है। अगर अच्छे तरीके से आप लोग अपनी तैयारी को करना चाहते हैं तो 60 दिन में भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। 10 दिन 10 घंटे अगर रोज आप पढ़ेंगे तो 6 60 600 घंटे आप लोगों के पास अभी भी बचे हुए हैं।
तो इस तरीके से अपनी रूपरेखा वो बनाइए, अपना खुद का टाइम टेबल सेट कीजिए, अपना खुद का शेड्यूल बनाइए, डेली बेसिस पर अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दीजिए। एक दिन सारे सब्जेक्ट नहीं कर सकते तो एक दिन आधे सब्जेक्ट, एक दिन आधे सब्जेक्ट करके इस तरीके से अपनी तैयारी को कीजिए। सबसे बेस्ट तरीका है अपने कमरे के अंदर आप क्या कीजिए, दीवार है, दीवार के ऊपर अपने सारे सिलेबस को लिख लीजिए। आज मैंने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, उस टॉपिक के ऊपर सर्कल लगा दीजिए। अगले 60 दिन में पूरे सिलेबस के ऊपर एक बार से पूरे सिलेबस के ऊपर आप लोग नजर मार के और पूरे सिलेबस को एक बार कवर कर दीजिए। जिन्होंने आज तक पेन उठाया भी नहीं है, बुक उठाई भी नहीं है, वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं इन बचे हुए दिनों में। चांसेस कम है लेकिन बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो बातें थी दोस्तों मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और बहुत ही जल्द एक नई शुरुआत के साथ आप लोगों के सामने आने वाला हूं मैं। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।